नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा दीप आराधनाई या फिर पंचदीप आराधनाई को लेकर। दीप के इस भाग में आज हमारा विषय यही है, दीप आराधनाई या पंचदीप आराधनाई। दीप आराधना या फिर ये जो पंचदीप आराधना है, एक्चुअली एक ही अगर आप देखें तो मतलब इसके पद्धति को अगर आपने देखा है तो शब्द एक ही है, बस ये समझाने के तरीके के लिए जो है ना ये पंचदीप आराधना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्राचीन पद्धति है आरती का, आराधना का अर्थ एक्चुअली आरती ही है, जिसे अरात्रिक या फिर अरात्रिकम भी कहा जाता है। ये प्राचीन पद्धति आपको दक्षिण द्रविड़ प्रदेशों में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। कोंकण क्षेत्र में भी इसका चलन है वैसे, पर ये मूल रूप से जो है द्रविड़ क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। पर कोंकण क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर कभी गोवा आदि उस तरफ गए हैं तो वहाँ पर भी मंदिरों में आपको ये दीप आराधना या फिर पंचदीप आराधना जो है वही आपको देखने को मिलेगा। पंचदीप आराधना का एक्चुअली अर्थ होता है पांच अलग अलग प्रकार के आरती के दीपक लेकर जो है ना भगवान के आरती करना। आरती के प्राचीन पद्धति जो है वो यही है, इसे आप दीप आराधना भी बोलते हैं। पर पांच अलग अलग प्रकार के दीप लेकर, क्योंकि ये आरती संपूर्ण होती है तो इसलिए इसे जो है पंचदीप आराधनाई भी कहा जाता है। दीप आराधनाई जब आप कर रहे हैं तब एक से अधिक दीपक आपका होना चाहिए। हो सकता है आपके पास पांच अलग अलग दीपक ना भी हो सकता है, आपके पास दो है तो आप दो से भी कर सकते हैं, आप तीन से भी कर सकते हैं, पर एक से अधिक होना चाहिए। जब भी आप जो है दीप आराधनाई करेंगे तो उसमें दीपक की संख्या जो है, यानी कि आरती दीपक की संख्या, मान लीजिए आपके पास दो पंच आरती दीप है, जो मतलब हैंडल वाले जो आरती करने के दीपक होते हैं वो आपके पास दो है, तो उससे ही आप जो है ना दीप आराधनाई कर सकते हैं। दीप आराधनाई करने के लिए आपको एक से अधिक की आवश्यकता होती है। जैसे ये धूप आराधना भी किए जाते हैं, जैसे दशांग धूप से अष्टांग धूप और षडंग धूप या फिर सप्त धूप से जो है धूप आराधना भी किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी धूप मूल रूप से जो है वो तीन ही किए जाते हैं, पंच नहीं किए जाते हैं, पर कई जगह पर दो भी किए जाते हैं, यानी कि दो या फिर तीन धूप जो है वो धूप आराधना में देखा गया है। तो आराधना जब कर रहे हैं, ये प्राचीन पद्धति से जो धूप दीप के जो आराधना होंगे उसमें आपको हमेशा जो है ना एक से अधिक, चाहे आप मतलब आप पांच ना ही रखें, आप दो, जैसे मैंने धूप के विषय में बताया कि वहाँ पर कम से कम तीन इस्तेमाल किए जाते हैं, धुनुची पात्र जो है जो धूप पात्र होते हैं, या फिर दो भी किए जाते हैं, पर एक से अधिक होना पड़ेगा हमेशा। आराधना का नियम एक्चुअल में यही है कि आपको एक से अधिक दीपक से जो है ना भगवान की आरती आदि अनुष्ठान जो है वो आपको करना है, तो इसे ही दीप आराधना कहा गया है। तो दीप आराधना में सबसे पहले जो दीपक से आरती की जाती है जो वो 11 बत्ती वाले होते हैं, उसके बाद 9 बत्ती वाले, उसके बाद 7 बत्ती वाले, उसके बाद 5 बत्ती वाले, उसके बाद जो है 3 बत्ती वाले। तो पहले वाले जो आरती के दीपक होते हैं वो 11 बत्ती वाले होते, उसके बाद 9 बत्ती वाले होते, उसके बाद जो है 7 बत्ती वाले, उसके बाद 5 बत्ती वाले, उसके बाद 3 बत्ती वाले। तो इस प्रकार से जो है ना पांचों प्रकार के अलग अलग दीपक से जो है आरती संपन्न होती है। आप चाहे तो सारे के सारे ये पांच जो दीपक है उन्हें आप घी से जला सकते हैं, या फिर जो है आप तेल से भी जला सकते हैं, या फिर पहले वाला यानी कि 11 जो दीपक है उसे केवल आप घी से जलाकर बाकी आप तेल से भी जला सकते हैं। तो घी से पूरा जलाया जा सकता है, केवल तेल से जलाया जा सकता है, और घी और तेल दोनों से भी आप जला सकते हैं दोस्तों, पर मिक्स करके कभी भी नहीं। बहुत सारे लोग मिक्स कर रहे थे आरती के दीपक में, मिक्स कभी भी मत करिएगा। हमारे दीप के भाग में मैंने ये सबसे पहले वीडियो इसलिए इस विषय पर बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा घी नहीं दे पाते इसलिए तेल के साथ घी मिक्स करके जलाते, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल कभी भी मत करिए, कभी भी आप ये कार्य मत करिएगा। घी से जला रहे हैं तो केवल घी से जलाइए, कि अगर आप तेल से ही सारे जलाना चाहते हैं तो आप तेल से ही पूर्ण जलाइए, कभी भी दोनों को मिक्स करके नहीं जलाना चाहिए। तो सबसे पहले 11 दीपक से पंच दीप आराधना में सबसे पहले 11 दीपक से आरती किए जाएंगे, उसके बाद जो है
हस्त प्रक्षालन आदि ये सब कुछ तो करना ही होता है। उसके बाद जो मतलब आपको हाथ धोना ही होगा, उसके बाद जो है 9 दीपक से आरती होगी, उसके बाद 7 दीपक से आरती होगी, उसके बाद जो है 5 आरती वाले दीपक से आरती होगी और 3 वाले आरती दीपक से आरती होगी। अब हम लोगों के पास शायद इतने सारे दीपकों की व्यवस्था ना भी हो सकते, जो जिनके घरों में मतलब दक्षिण की तरफ तो यही चलन है आरती करने की, यही प्राचीन पद्धति का वहाँ पर चलन है, तो वो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करके रखते है, पर हमारे उत्तर या फिर पूरब के तरफ जो है इसकी व्यवस्था ना भी हो सकते। तो आप 2 पंचदीपक के माध्यम से जो है, जैसे मैं 2 धुनुची आप लोगों को रखने के लिए कहता ही हूँ, तो आप 2 धुनुची से भी जैसे धूप आराधना कर सकते, और ये जो पंचदीप आराधना या फिर दीप आराधना जो है एक से अधिक, यानी कि 2 पंचदीपक से जो पंच आरती दीपक जो है आप प्रज्वलित करके ये आरती अनुष्ठान आप कर सकते, यानी कि दीप आराधना कार्य जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान आपको यही रखना है कि दीप आराधना ही जब आप कर रहे हैं आरती की, ये जो प्राचीन पद्धति यही आदि पद्धति है। द्रविड़ प्रदेश में जो है ना सारे के सारे आपको आदि और प्राचीन पद्धति ही देखने को मिलेंगे, और दक्षिण मतलब उत्तर के तरफ और पूरब के तरफ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिले जुले आपको मिलेंगे, पर दक्षिण के तरफ जो है आपको प्राचीन पद्धति के झलक बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादातर ही क्यों, बल्कि आप अगर वहाँ की 90% मंदिर में जाएंगे या फिर 100% ही बोल सकते, तो वहाँ पर आप को यही सारे विषय जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि ऐसे पुराने आरती के पद्धति हो, उनके घरों में भी जो है वो अपनी विशेष पूजा में, अपनी नित्य पूजा में इन सारे कार्य को करने की संपूर्ण कोशिश करते हैं। जैसे कम से कम 5 शायद हर घर में करना संभव नहीं होता है सुबह शाम, पर 2 आरती के दीपक कम से कम, मतलब 1 से अधिक आरती के दीपक, 2 या 3 आरती के दीपक जलाकर जो है वो आराधना अवश्य करते। दक्षिण में ना ये आरती आदि करने के विषय में उनका इतना आग्रह है और उनका अभ्यास, मतलब नित्य दिन के उनके जो अभ्यास इतने इसे वो इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि इसी वजह से वहाँ पर ये प्राचीन पद्धति आदि जो है ना एक प्रकार से इतने सुंदरता से अभी भी संरक्षित है, जो कि हमारे नॉर्थ और पूरब की तरफ जो है इन सारी चीज़ों की संरक्षण के बारे में अभी उतना ज़्यादा मुझे तो किसी को मतलब नहीं दिखाई देता, लगन नहीं दिखाई देता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले था, पर पता नहीं, मैंने पहले भी उतना बहुत कुछ लगन तो मैंने नहीं देखा था। हाँ, कुछ परिवारों में या फिर कुछ लोग करते हैं आज भी, वो विषय अलग है, पर दक्षिण में जैसे 90% लोग में ही आपको ये लगन दिखाई देगा, इस तरफ इस चीज़ की थोड़ा बहुत कमी है। उत्तर और जो वेस्ट के बारे में मैं नहीं कहूँगा, पश्चिम के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, मैं दक्षिण उत्तर और पूरब के बारे में ही मुझे जानकारी है। तो मैं जितना देखता हूँ कि दक्षिण की तरफ जितने उनके लगन हैं इन सारे विषयों को बनाए रखने में, ये जो प्राचीन आरती के पद्धति हो, धूप हो या पर नैवेद्यम आदि अरात्रिकम आदि के जितनी भी पद्धति हो, ये आराधना ही शब्द एक्चुअली जो है वो तमिल और तेलुगु शब्द में कहा जाता है, मतलब द्रविड़ की जो भाषा है, तमिल तेलुगु और कन्नड़ आदि जो द्रविड़ भाषा है उनमें आराधना का अर्थ होता है आरती। तो ये जो प्राचीन पद्धति है आरती के, यानी कि जो दीप आराधना है या फिर पंचदीप आराधना है, वो आपको दक्षिण में ही बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। बहुत सारे आप देखिएगा उनके मंदिर के चैनल आदि है, वहाँ पर आप जो है इस सारी चीज़ों, जैसे तिरुपति जी के है और दूसरे कई दक्षिण के ऐसे हैं, कुंकण के भी कई सारे मंदिरों के आपको मिलेंगे चैनल जो है, वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ एक्चुअली कि आप लोगों को अगर दिखा पाऊँ, मेरे लिए तो 5 दीपक से दिखाना शायद संभव नहीं होगा, मैं 2 दीपक से ही दिखाऊंगा दोस्तों आपको कि मतलब 1 से अधिक दीपक से जो है किस तरीके से आराधना किए जाते हैं। तो आराधना जो है वो हमेशा 1 से अधिक दीपक से आपको करना होगा। 2 होता है तो वो भी चलेगा, 3 होता है तो बहुत अच्छा है, 5 होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, पर 1 से अधिक होना चाहिए, 1 दीपक से आराधना नहीं होता है।
हमारे इस तरफ भी जैसे कि केवल धूप दीप से और जो चामर यानी कि पंखे से जो है, ताल बंद पंखे से जो है आरती करने का एक प्राचीन चलन है। पर ये आरती का ये इस प्रकार से जो है, मतलब 5 प्रकार के अलग अलग दीपक आदि लेकर जो है आरती करना, ये मैं दक्षिण में जब गया तभी जो है इस चीज़ को बहुत सही से मैं समझ पाया, और वहाँ से ही मैंने इस चीज़ को सीखा। और उसके बाद जब मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई आदि की, तो तभी जो है मैं इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझा कि यही जो है, मतलब आरती के यही जो पद्धति है, ये जो दीप आराधना की पद्धति, ये एक प्राचीन पद्धति है आरती के दोस्तों। तो आपको जो है, आप अगर विशेष पूजा में 5 प्रकार के अलग अलग दीपक से दीप आराधना कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले 11 दीपक जो है वो जलाना चाहिए, उससे आरती करना चाहिए। उसके बाद 9 दीपक जलाकर आरती करना चाहिए, उसके बाद 7 दीपक जलाकर आरती करना चाहिए, उसके बाद 5 दीपक जलाकर आरती करना चाहिए, उसके बाद जो है 3 बाती के दीपक जो है वो जलाकर आपको आरती करना चाहिए। वैसे ऑनलाइन ये सारे दीपक शायद आपको मिल ही जाएंगे, आपके आसपास के लोकल मार्केट में ना भी मिल सकते हैं, पर ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर दक्षिण भारतीय जिनके भी ऑनलाइन स्टोर आदि वगैरह है वहाँ पर शायद आपको ये सारी चीज़ें मिल ही जाएगा दोस्तों। 7 बत्ती वाले दीपक और 5 बत्ती वाली दीपक तो वैसे भी मिल ही जाते, थोड़ा बहुत अगर खोजेंगे आप तो आपको लोकल में भी शायद मिल जाएगा दोस्तों। तो दीप आराधना जो है वो यही है, या फिर पंचदीप आराधना जिसे कहा जाता है वो यही है दोस्तों। आप घी से या तेल से जिससे भी जलाना चाहे उससे आप जला सकते हैं, आपको बस एक से अधिक दीपक जलाकर दीप आराधना करना होगा। और विशेष दिनों में अगर आप पंचदीप आराधना करना चाहते तो 11, 9, 7, 5 और 3 बत्ती वाले अलग अलग 5 दीपक जलाकर आपको दीप आराधना करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दीप आराधना के विषय में, या फिर पंचदीप आराधना के विषय में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। आप लोग मुझे जो है ना मेल भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।